नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। पुलिस की छवि खराब करने को लगा है एसआई, बुंदेला यूपी के युवक ने लगाए रिश्वत लेने के आरोप। खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से। कोतवाली थाना क्षेत्र का ताजा मामला सामने आया, जहां फरियादी कासिम खान के द्वारा थाने में बताया गया कि उसकी गाड़ी यूपी से चोरी हो गई थी, जिसकी जानकारी उसे अपने किसी परिचित ने दी कि उसकी गाड़ी बैतूल में देखी गई है। जिसकी जानकारी लगते ही फरियादी युवक यूपी से बैतूल आया, जहां बैतूल कोतवाली में भोपाल से स्थानांतरण होकर एसआई बुंदेला द्वारा फरियादी कासिम खान से 5,000 रुपये नगद ले लिए और 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। यह आरोप फरियादी कासिम ने लगाए हैं। फरियादी का कहना है कि संपूर्ण दस्तावेज कंप्लीट होने के बावजूद भी बैतूल पुलिस के द्वारा पैसे मांगे गए और मांगे जा रहे हैं। हम हजारों किलोमीटर से यहां अपनी गाड़ी लेने आए हैं और हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। इस मामले से जिले की और प्रदेश की छवि को खराब करने में कोतवाली पुलिस के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यह घोर निंदनीय है। कासिम खान द्वारा गाड़ी की चोरी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायु उत्तर प्रदेश को आवेदन के द्वारा 20/4/2023 को दी गई थी, जिसके बाद कासिम खान को जानकारी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उसकी अपाचे गाड़ी क्रमांक UP24AM3058 हमलापुर बैतूल शहर में देखी गई है, जिसकी जानकारी बैतूल शहर में यूपी क्षेत्र के कार्य करने वाले युवकों द्वारा गाड़ी मालिक को दी गई। 3-4 दिन पहले यह बैतूल शहर में आए, उसके उपरांत गाड़ी मालिक द्वारा स्वयं हमलापुर चौक के आसपास से गाड़ी कोतवाली क्षेत्र के एसआई बुंदेला द्वारा गाड़ी जब्त कराई गई। जब गाड़ी छुड़ाने की बात की गई तो एसआई बुंदेला द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई, जैसा कि कासिम ने कहा कि मेरे पास 10,000 नहीं है और वहां नगद उन्हें 5,000 दिए। उसके बाद पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार परेशान हो रहा हूँ, प्रताड़ित हो रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, न ही मुझे किसी प्रकार का पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। बता दें कि कासिम द्वारा बताया गया कि एसआई बुंदेला द्वारा बताया गया कि टीआई अजय सोनी द्वारा ही आपकी गाड़ी छोड़ी गई जाएगी। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी ने एसआई बुंदेला को फोन लगाया और उनसे अपना पक्ष रखने को कहा, तो उनके द्वारा उल्टा मीडिया कर्मी पर ही आरोप लगाया गया कि वही उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और आगे बात करना मुनासिब नहीं समझकर फोन काट दिया, जिसकी शिकायत मीडिया कर्मी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को कर दी गई है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। कासिम खान, कहाँ से हैं आप? यूपी से। क्या समस्या थी आपकी? सर, हमारी गाड़ी ये हमें चुर के आई हमारे इधर से। तो क्या जानकारी मिली आपको इसकी? हमें लोगों ने बताया कि बैतूल में आपकी गाड़ी हमने देखा है। किसने बताया आपको? हमारे गांव का ही था लड़का, वो भी काम करता है लेबर का। अच्छा। हाँ, तो फिर हम आए इधर पूछते, हमें मालूम आया इस घर में गाड़ी है। हाँ। हम 2 पुलिस वालों साथ में लेके गए और गाड़ी लेके आ गए। तो हाँ। फिर क्या बोल रहे हैं गाड़ी देने के लिए आपको? अब ये बोल रहे हैं उनसे, बड़े साहब से बात करके। कितने दिन से आप यहाँ पे हो? आज थाने में 2 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन होगा। तो क्या बुंदेला साहब ने 5,000 रुपये राशि ली, ऐसी जानकारी आई है हमारे पास? हाँ, 5,000 रुपये लिए आपसे? 5,000। तो आप क्या चाहते हैं? गाड़ी चाहते हैं सर हम। 5,000 रुपये ले लिए? हाँ, और हमारे पास में पूरा सबूत है गाड़ी का, हमारे पास कागज लाइसेंस। इसकी FIR कहीं दर्ज हुई थी गाड़ी की? हमारी यूपी में हुई थी। यूपी? दिखाइए उसका क्या दस्तावेज आपके पास? उसके मोबाइल में है और पुलिस वालों के पास में गाड़ी के कागज ये हैं। दिखाइए आप मोबाइल पर, दिखाइए यहाँ पे। हाँ, मोबाइल पर देख लो, ये गाड़ी के कागज हैं। इधर दिखाइए, कैमरे में दिखाइए आप। कैमरे में दिखाइए आप, सीधा करिए इसको। कोतवाली में बुंदेले साहब नए आए हैं, जिन्होंने 5,000 रुपये की राशि इनसे ली है। ये देख लीजिए दस्तावेज और FIR की कॉपीज। उसके बाद भी लगातार इनको प्रताड़ना का सामना झेलना पड़ रहा है। 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, खाना नहीं खाया है। 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।